हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर जहां माना जाता है कि खुद बजरंगबली डॉक्टर बनके अपने भक्तों की बीमारियों को दूर करते हैं। कहां ये मंदिर, चलिए जानते हैं। दरअसल ये मंदिर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 70 किलोमीटर दूर बसा दंदरोवा सरकार धाम मंदिर, जिसे डॉक्टर हनुमान जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में बजरंग बली को डॉक्टर के रूप में माना जाता है। यही नहीं, यहाँ पर हनुमान जी की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि बजरंग बली की कृपा से यहाँ कैंसर, टीबी, एड्स जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए हर मंगलवार और शनिवार यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। वैसे गाइस, क्या आपको इस मंदिर के बारे में पहले से पता था, और क्या आप भी अपने परिवार से किसी को यहाँ पर दर्शन कराने लेके जाना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का आइडिया एक भारतीय से कॉपी किया है? दरअसल उस भारतीय का नाम है दिव्य नरेंद्र, जो साल 2002 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक साथ जोड़ने के लिए एक सोशल नेटवर्क साइट बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उनके दोस्तों के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा हार्वर्ड कनेक्शन। साल 2003 में मार्क जुकरबर्ग ने इस प्रोजेक्ट को प्रोग्रामर के तौर पर ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब प्रोजेक्ट पूरा होने ही वाला था, तभी मार्क जुकरबर्ग ने नरेंद्र के ईमेल्स और कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। यही नहीं, 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने द फेसबुक नाम से अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च भी कर दी, जो बिल्कुल हार्वर्ड कनेक्शन से मिलती जुलती थी, जिसका पता चलते ही दिव्य नरेंद्र और उसके दोस्तों ने मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। ये केस 4 साल तक चला, लेकिन तब तक फेसबुक की ग्रोथ आसमान छू चुकी थी। पर समझौते के तौर पर मार्क जुकरबर्ग को दिव्य नरेंद्र और उसके दोस्तों को लगभग 325 करोड़ रुपए देने पड़े, जो फेसबुक की आज के वैल्यूएशन के सामने कुछ भी नहीं है। एक ऐसी वॉशिंग मशीन जिसमें आप बिना पानी के और डिटर्जेंट के कपड़े धो सकते हैं। दरअसल रूबल गुप्ता नाम का एक बंदा एक दिन अपने हॉस्टल में वॉशिंग मशीन से अपने कपड़े धो रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि मशीन से कपड़े धोने में कई लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। अब इसी समस्या को सुलझाने के लिए उसने अपने प्रोफेसर और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम था 80 वॉश, और एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना दी जो सिर्फ 80 सेकंड में बिना पानी और बिना डिटर्जेंट के कपड़े धो देती है। इस वॉशिंग मशीन की स्टेज 1 में कपड़े के सारे बैक्टीरिया और स्मेल को रेडियो वेव से हटाया जाता है, और स्टेज 2 में ये मशीन सिर्फ 200 ml पानी को हाई स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, जो कपड़े के दाग धब्बों को हटा देता है। वैसे गाइस, साफ पानी को बचाने में ये वॉशिंग मशीन मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्या आपको भी ये वॉशिंग मशीन चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।